नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बयार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने एनडीए में जाने की शर्त ये रखी है कि उनके चाचा पशुपति कुमार पारस को एनडीए से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए, चिराग पासवान को केंद्र में मंत्री बना दिया जाए। एनडीए में नीतीश कुमार की एंट्री कभी नहीं होनी चाहिए और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सीटों की डील अभी हो जाए। बीजेपी इन शर्तों को मानेगी नहीं मानेगी, लेकिन चिराग पासवान की इन शर्तों को लेकर जब खबरें आई हैं तो पशुपति कुमार पारस, जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी पार्टी को ये बड़ा नागवार गुजरा है और चिराग पासवान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है पार्टी के प्रदेश प्रधान महासचिव केशव सिंह ने। केशव सिंह ने चिराग पासवान को लेकर क्या कहा है वो हम आपको सुनाते हैं। और केशव सिंह ने पार्टी की तरफ से ये दावा कर दिया है कि जब चिराग पासवान ने तलवार खींच ली है तो हम भी तलवार खींचने से पीछे नहीं हटेंगे और किसी भी हाल में चिराग पासवान की एंट्री एनडीए में नहीं होने देंगे। तो चाचा भतीजे की लड़ाई अब और तेज हो चली है। बीजेपी की मुश्किल ये है कि वो दोनों को, चाचा को और भतीजे दोनों को एनडीए में रखना चाहती है। चाचा पहले से हैं, चिराग को भी लाना चाहती है, लेकिन दोनों एक दूसरे के कट्टर सियासी दुश्मन बने बैठे हैं और दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते, दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। फिलहाल ये बयान सुनिए केशव सिंह क्या कह रहे हैं। अच्छा काम हम तो कहेंगे कि अपने कार्यशैली में सुधार लाए हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। यदि वह एनडीए में आना चाहे तो हम लोग बाधक नहीं बनेंगे, लेकिन वो बाधक बन रहे हैं। जब एक तलवार निकाल दिया तो हम लोग उस तलवार को रखने वाले नहीं, हम लोग भी तलवार खींच लिए। उनका निश्चित मुकाबला और अब एनडीए में एंट्री उनका नहीं होगा, नहीं होगा। बड़ी खबर आप दे रहे हैं, आप शर्त रख रहे हैं। हम कह रहे हैं कि नहीं होने देंगे, हम लोग नहीं होने देंगे। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान की एनडीए में एंट्री नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। शर्त और ये सब तो बाद की बात। चिराग पासवान को बीजेपी का कौन नेता निमंत्रण दिया है, पहले इसका नाम तो सार्वजनिक करें जी। चिराग पासवान के बारे में आप लोग इतिहास पहले किसी का जानेंगे? यही चिराग पासवान है कि सीट शेयरिंग पर बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रभारी जी और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव भूपेंद्र यादव जी आते हैं, 12 जनपद में बैठते हैं और उनको इंतजार कराया जाता है और बाहर मीडिया में फ्लैश करा दिया जाता है न्यूज कि चिराग को मनाने पहुंचे भूपेंद्र यादव जी। ये तो खाली हवा हवाई, खाली पुलाव बनाने वाले चिराग पासवान जी हैं। चिराग पासवान जी को कौन नोटिस लेने जाता है? उनसे प्रधानमंत्री ना खुश है, उनसे अमित शाह जी, गृह मंत्री सिंह ने फोन किया था।